क्रिकेट का बाउंड्री किंग है ये खिलाड़ी। 55 साल से रिकॉर्ड है बरकरार। क्रिकेट की पिच पर जब कोई बल्लेबाज हावी होता है तो चौके छक्के की बौछार कर देता है। सीमा पार जाती गेंदों को देख दर्शक जहां रोमांचित हो उठते हैं, वहीं गेंदबाज अपना सिर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है। एक टेस्ट पारी में बाउंड्री के सहारे सबसे ज्यादा रन बटोरने की बात करें तो 55 साल पुराना रिकॉर्ड सामने आता है। आज ही के दिन यह कीर्तिमान बना था। इंग्लैंड के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज जॉन एडरिज के नाम ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी बरकरार है। वह एक पारी में बाउंड्री से सर्वाधिक रन बटोरने का अनोखा रिकॉर्ड रखते हैं। एड्रिस ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट में नाबाद 310 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी। इस पारी के दौरान उन्होंने 52 चौके और 5 छक्के जमाए थे। उन्होंने अपने इस तिहरे शतक में 238 रन चौके और छक्के के साथ जुटाए, यानी पारी में 77% रन बाउंड्री के सहारे आए। सिर्फ चौके की बात करें तो एक पारी में सबसे ज्यादा चौके का रिकॉर्ड भी जॉन एड्रिज के नाम है। एड्रिज के अलावा कोई और बल्लेबाज अपनी पारी में 50 चौके नहीं लगा पाया है। एड्रिज ने 52 चौके जमाए। 1965 के लीड्स टेस्ट में उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने 1930 में इसी मैदान पर 334 रनों की पारी में 46 चौके लगाए थे। 83 साल के हो चुके जॉन एड्रिज ने अपने करियर में 77 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 43.54 की औसत से 5138 रन बनाए हैं। टेस्ट में 12 शतक और 24 शतक उनके नाम हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने कुल 103 शतक और 188 अर्धशतक जमाए हैं।